हेलो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंस बताने वाला हूँ जो कि मुझे लगे होंडा सिटी 4th जनरेशन के बीच में और 5th जनरेशन के बीच में। जो आप जानते हैं कि मेरी जो 5th जनरेशन है वो पेट्रोल है और ये डीजल आप देख सकते हैं, 6,000 तक मार्किंग है इसके अंदर, वो पेट्रोल आप जानते हैं। ये मेरे मामा जी की गाड़ी है जो कि थोड़े दिन के लिए मैंने ले रखी है और उनने वो 5th जनरेशन ले रखी है, तो लगभग 1,000 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने लगभग 1,000 चला दी है, मैंने पेट्रोल लगभग 2,500-3,000 चला दी थी और ये 1,000 चला दी है। तो मुझे क्या डिफरेंसेस लगे पेट्रोल के और डीजल के अंदर? सबसे पहले डिफरेंस तो यार बेसिक सा ही है, डीजल और पेट्रोल के अंदर होता ही है कि क्लच या गियर वगैरह जो है हार्ड है, इसके थोड़े से हार्ड लगे मुझे, बाकी क्लच का काम नहीं हो रखा इस गाड़ी में। 1,32,000 चल चुकी है गाड़ी, इसमें अभी भी क्लच का काम नहीं हुआ और हमने होंडा में दिखाई थी तो कहते हैं अभी भी चल जाएगा, थोड़ा सा और चला लो। तो थोड़े से तो गियर हार्ड लग रहे हैं, थोड़ी सी क्लच हार्ड लगी मुझे एक्स्ट्रा, ठीक है। अगला जो पॉइंट लगा वो है इसकी पावर। पावर तो आप जानते हैं, टॉर्क की कमी है यार उसके अंदर, वो बार बार ऐसे सेकंड गियर में उठते रोने से लग जाती है, ये नहीं रोती। इसको थर्ड गियर में भी छोड़ दोगे ना आप तो ये अपने आप ना 20-25 की स्पीड मेंटेन कर देगी, रेस ना दे हो तो, बिना गड़गड़ाए या रोए वगैरह, मतलब लोड नहीं मानता इंजन। आपको मैं दिखाता हूँ, अभी तो गड्ढे आ गए यार। एक तो ना क्लच एकदम से छूट गई पैर फिसलने के बाद, अब मैं सेकंड गियर में उठा रहा हूँ जैसे इसको आप देखो तो रो नहीं रही ज्यादा, बिना रेस दे उठा रहा हूँ, ये अपने आप उठ रही है, जो कि आप जानते हैं डीजल का तो क्या ही बताना। अब जैसे मैं थर्ड गियर में भी छोड़ दूँ ना इसको, तो थर्ड गियर में आप देख सकते हैं मैं रेस रूस कुछ नहीं दे रहा, अपने आप स्पीड मेंटेन कर रही है गाड़ी, जो कि अच्छी बात है। वो तो है यार, टॉर्क नेचुरल सी बात है, इसके अंदर टॉर्क ज़्यादा है उसके अंदर टॉर्क कम है, वो तो टॉर्क का तो डिफरेंस आ ही जाता है। अगला जो है डिफरेंस पिकअप के अंदर, वो तो खूब उड़ती जाती है एक बार में। ये थोड़ा सा यूँ है कि 1,500-2,000 RPM क्रॉस करने के बाद जान आती है, फिर एकदम से फिर छोड़ देती है जान जो है इसके अंदर। एक बार तो आ जाती है कि भाई पता नहीं कि रॉकेट सी बनेगी, तो फिर घूम घूम एकदम से छोड़ जाती है कि बस थक गई मैं। और अगला जो मुझे ना एक वियर्ड सी बात लगी, जो 5th जनरेशन है ना, या तो वो नई है इस करके है, या ये कुछ ज़्यादा ही पुरानी है, ये मतलब लगभग 7 साल हो गए इसको लगा लो, 2015 का मॉडल है। तो आप देख लो यार, मुझे तो ऐसे लगा उसके ना डोर जो है ना हैवी तो है, चलो अच्छी बात है, एक तो ये हो गया डिफरेंस कि हैवी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है उसके अंदर, इसकी भी अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा इसको भी 4 स्टार मिले, मैं ये नहीं कह रहा इसकी गंदी है, उसकी और भी हैवी है, उसके डोर वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं इससे। और पता नहीं क्यों इसके डोर ना छोड़ते ही अपने बंद हो जाते हैं, छोड़ दो ना आप ज़्यादा हार्ड पुश ना करो तो भी बंद हो जाते हैं, उसके अंदर बंद नहीं होते, बहुत ज़ोर से मारना पड़ता है धम देसी तब जाके बंद होते हैं, वरना इसके अंदर तो छोड़ते ही थोड़ा सा गेट छोड़ते ही अपने आप बंद हो जाते हैं, जो कि पता नहीं क्यों मेरे को अलग सी लगी बात, पता नहीं ऐसा यार मेरे को ही लगा या फिर है सच में। बाकी अगला जो नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव तो नहीं यार क्या कह सकते हैं, इसके अंदर जो है ना नॉइज़ कम आ रही है, जैसे आप क्रूजिंग स्पीड पे देखो, क्रूजिंग स्पीड के अंदर इसके अंदर ना रोड नॉइज़ कम आ रही है, विंड नॉइज़ कम आ रही है, लेकिन जो 5th जनरेशन है उसके अंदर रोड नॉइज़ भी ज़्यादा आ रही है और विंड नॉइज़ भी ज़्यादा आ रही है। इसके अंदर या तो यूँ है कि इंजन की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है इस वजह से करके, पता नहीं मुझे तो ऐसे लगा इसके अंदर ना जैसे आवाज़ जो है कम आ रही है 5th जनरेशन के मुकाबले, जैसे 100, 120 या 110 पे चलाएं तो इसके अंदर आवाज़ कम है उसके कंपेरेटिव, इसमें ज़्यादा लगी, पता नहीं क्या रीज़न है, हवा का क्या मतलब सिस्टम है, मुझे तो इसके अंदर कम लगी उसके अंदर ज़्यादा लगी, या तो उसके अंदर इंसुलेशन ऐसी घटिया सी कर रखी है होंडा वालों ने, यूँ कह रहे हैं आप जानते हैं कि उसके अंदर इंजन नॉइज़ भी आ रही है पेट्रोल होने के बाद भी, इसके अंदर डीजल होने के बाद तो चलो आएगी, ये तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है इंजन इसका। अगले जो डिफरेंस की बात करूँ ना वो इसकी सीट है, मुझे पता नहीं यार क्यों मेरे को 4th जनरेशन की सीट जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगी एज़ कम्पेयर टू 5th जनरेशन। फ्रंट की बात कर रहा हूँ मैं, रियर की तो ऑलमोस्ट सेम सी हैं, लेकिन फ्रंट की बात करूँ मैं, फ्रंट के अंदर मुझे इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी 4th जनरेशन की एज़ कम्पेयर टू 5th जनरेशन, पता नहीं क्यों, या तो वो मतलब थोड़ी सी ना पतली सी लगती हूँ कुछ ज़्यादा ही, क्यों मेरे को तो पता नहीं, लेकिन इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, कुछ भी कहो इसकी मुझे तो बेस्ट लगी। मैंने इनोवा भी चलाई यार, इनोवा की मतलब इनोवा जितना कंफर्ट लगा लो इसकी फ्रंट सीट का ऑलमोस्ट,
ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, यू नहीं कह रहा कि इनोवा जितनी है कंफर्टेबल, ये भी बहुत है, नाम चलता है होंडा सिटी का, कंफर्टेबल ये भी बहुत है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन से ज़्यादा लगी मुझे, पता नहीं क्यों। फोर्थ जनरेशन में कई सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं एज़ कम्पेयर टू फिफ्थ जनरेशन। अगली चीज़ की बात करें वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन देखो, मैंने ये भी वीडियो बनाई थी, मैं ये नहीं कहता कि उसका सस्पेंशन कुछ ज़्यादा ही बुरा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है कि हाई स्पीड पे जाते गाड़ी हिलने लग जाती है, स्टेबल नहीं रहती, स्टेबल रहती है लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, आपको थोड़े से कट वट मारो या थोड़ा सा इधर उधर करो तो इसके अंदर बॉडी रोल फील नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा सा लगता है। ये मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही SUV वाला स्कॉर्पियो वाला आ जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आप सीधी वो चलाओगे तो कोई बॉडी रोल नहीं लगेगा, अगर आप सीधी फिफ्थ जनरेशन चलाओ तो, लेकिन आप जैसे फोर चला रहा हूँ मैं, तो इसमें बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल भी। आप कितनी तेज़ कट मार लो, बस ये थोड़े से ना ऐसी रोडों पे गड्ढे वगैरह थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, उसके अंदर गड्ढों का पता ही नहीं लगता, तो ऐसे ग्लाइड सा करती हुई जाती है उसके अंदर, इसके अंदर गड्ढों का कुछ ज़्यादा ही पता लगता है, गड़म देसी बोलती है एकदम से, अगर हाई स्पीड पे हो ना तो ये ज़्यादा साउंड करती है। बाकी गड्ढे हाई स्पीड में नहीं पता लगते, इसमें उसमें भी नहीं पता लगते, लेकिन थोड़ा सा क्या बताऊँ यार, स्टिफ और सॉफ्ट का कुछ तो फ़र्क होता ही, आपको पता ही है। और अगला जो मेजर मेरे को पॉइंट लगा वो मैंने नेगेटिव में भी कवर कर रहा था, इसका जो फेस है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। इसका जो फेस है ना कुछ ज़्यादा ही नीचे है, खुद दिखाता हूँ, इसका ना फेस है जैसे फिफ्थ जनरेशन का तो ऐसे है, इसका थोड़ा सा ऐसे है जैसे एस्क्रॉस की जो फर्स्ट मॉडल आए थे, जो सबसे पहले बिना फेस लिफ्ट वाले फ्री फेस लिफ्ट, उसके अंदर आगे जो बम्पर है वो हर जगह टच करता था, वही दिक्कत इसके अंदर है, इतनी इसकी बॉडी टच नहीं कर रही नीचे से बीच में से जितना इसका आगे वाला बम्पर कर रहा है, और इसके इतने अच्छे लॉक भी नहीं है, हल्का सा लगते इसके सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, लॉक्स वगैरह बाहर निकल आते हैं उखड़ के, इसके अंदर पता नहीं यार क्या है यार, उसके अंदर मैं जिस ब्रेकर पे से गया हूँ उस पे वो टिकी नहीं, ये आगे से हल्की सी टच हुई है, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की सी टच हुई है, वो भी यार दुख देता ही है हल्की सी टच होना, बाकी है तो सिडान ही, ये भी बाकी टच तो होएगी यार सिडान जब ऐसी रोडों पे चलेगी तो, बाकी वो तो ठीक है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही टच हो जाती है, लगा लो आप। अगला जो मेरे को डिफरेंस लगा वो है स्टेयरिंग व्हील का। स्टेयरिंग व्हील का देखो मेरे को तो ये प्यारा लगा देखने में भी, होल्ड करने में भी, और सारी चीज़ें देखो तो आप, प्यारा सा स्टेयरिंग व्हील है इसके अंदर, मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू फिफ्थ जनरेशन, पता नहीं क्यों, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल है यार। और जैसे जो फीडबैक वगैरह है कि गाड़ी हल्का से यूँ करते ही चली जाए, वो हाई स्पीड में सभी गाड़ियों जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, सिटी स्पीड में थोड़ा सा हार्ड है ये, लेकिन ठीक है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं कि आपको फॉर्चुनर वाली फील आए या पूरा जमा हाइड्रोलिक है, लेकिन अच्छा है ये भी इतना, मतलब हाईवे पे तो बहुत अच्छा हो जाता है, सिटी स्पीड पे भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है उस कंपेयर करें तो फिफ्थ जनरेशन से। फिफ्थ जनरेशन का तो बहुत ज़्यादा लाइट स्टेयरिंग व्हील है आप जानते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, अगर आप बात करें तो फील एंड फीडबैक की बात करें चाहे कुछ भी बात करें, मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। इस पर कोई कवर भी नहीं चढ़वा रखा था हमने रैप वगैरह, तो ये देखो तो आपको दिखाऊँ मैं ध्यान से, ये देखो तो आप, ये देखना यहाँ धूप में खड़ी हो गई गाड़ी की स्टेयरिंग कैसा हाल हो गया, देखना ये उतरन से लग गए, पता नहीं क्या है, या तो ये हाथ लग लग के बार बार हो गया या धूप में रह रह के हो गया, थोड़ी सी दिन यार धूप में भी खड़ी होती है कई बार तो ऐसे करके हो जाता है ये, पता नहीं क्यों हुआ है। बाकी बात करें तो इसका स्टेयरिंग मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा उससे, कुछ भी एनी डे ये ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। अगर मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को अगर फोर्थ जनरेशन का टॉप मॉडल मिल जाता ना ZX, उसके अंदर 6 एयरबैग थे और मतलब सारी चीज़ें थी, वो मिल जाता ना, मैं फिफ्थ जनरेशन नहीं लेता बिल्कुल भी, लेकिन अब वो इसलिए लेनी पड़ी कि वो नई थी, घर वाले भी यूँ बोले भाई फिफ्थ ही ले ले, अब आ रखी है नई तो फोर्थ का क्या अचार डालना है। फोर्थ का यूँ था कि हाईएस्ट वेरियंट जो है वी मिलता, ZX मिल जाता तो मैं पक्का ZX लेते हम पक्का। बाकी मुझे डिज़ाइन की बात करें या और चीज़ों की बात करें तो ये ज़्यादा अच्छी लगी। इसका जो गार्ड सा है ना, वो इंजन गार्ड, वो भी ज़्यादा टच करता है एज़ कम्पेयर टू, या तो उन्होंने कुछ हाई करी है ग्राउंड क्लियरेंस, यूँ कह तो नहीं रहे उतनी है, 165 mm, इसकी भी 165 है, उसकी 165 है, ये भिड़ जाती है जहाँ वो नहीं भिड़ती, पता नहीं क्या चक्कर है,
टायर साइज मैंने आपको दिखाया था, टायर से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं वैसे, थोड़ा सा पड़ता है। उसका 185/60 R15 है, इसका 175 देती है, 175/65 R15, लेकिन हमने 185/65 डलवा रखा है। ये टच कर जाती है जहाँ वो नहीं करती, पता नहीं क्यों, इसका फेस भी ज़्यादा टच करता है, क्या दिक्कत है। प्रेशर भी देख लो, सारे सही हो तो भी ऐसे ही करती है। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।